मुजफ्फरपुर में कोविड-19 से बचाव को लेकर 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। डीएम प्रवीण कुमार ने कहा कि जिले के 10 केंद्रों पर प्रथम चरण में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों को टीका दिया जाएगा। इसके लिए सभी केंद्रों पर 3-3 कमरे की व्यवस्था होगी। टीकाकरण के बाद करीब आधा घंटा तक इंतजार करना होगा। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो वहाँ मेडिकल टीम पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ मौजूद रहेगी। 16 तारीख से कोविड-19 का वैक्सीनेशन की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले में हो रही है। इसके लिए यहाँ 10 टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 8 गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं और 2 प्राइवेट फैसिलिटीज हैं। और सभी जगह पर ड्राई रन करा लिया गया है। सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए जो 5 लोगों की टीम एक टीकाकरण केंद्र पर रहेगी, जिनके माध्यम से टीकाकरण किया जाना है, प्रत्येक केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को टीका देने की व्यवस्था की गई है। और इन सभी लोगों को हम लोग पूर्व से ही सूचित कर देंगे। और हर जगह 3-3 रूम रहेगा, एक वेटिंग रूम, एक वैक्सीनेशन रूम और एक ऑब्जर्वेशन रूम। हम लोग आश्वस्त हैं कि पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। और पहले चरण में मुख्यतः जो प्रायोरिटी तय की गई, उसके हिसाब से जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है टीकाकरण के लिए। वैसे करीब 20,000 से भी अधिक लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन लोगों को लगातार टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। क्या क्या सावधानी? इसमें निजी अस्पताल कर्मी भी शामिल हैं। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब हुआ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, ANM के साथ साथ किसी भी फैसिलिटी में काम करने वाला, हेल्थ फैसिलिटी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यदि किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में काम करने वाला हर एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। एज को लेके क्या कुछ किया गया है सर, कि इसने उम्र से अधिक के लोगों को ही दिया जाएगा इसमें फर्स्ट फेज में? नहीं, इसमें ऐसा है, फर्स्ट फेज में हम लोग अभी प्लान ये कर रहे हैं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को फर्स्ट फेज में हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोगों को अभी दिए जाने का प्लान नहीं है। बाकी जिन लोगों को दिया जाना है उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको सूचित करके टीकाकरण का कार्य आरम्भ कराया जाएगा। क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ? देखिए, सावधानियाँ सारी हैं। बेसिकली AEFI मैनेजमेंट होता है, कोई भी एडवर्स यदि इफेक्ट होता है जो सामान्यतः नहीं के बराबर होता है, इसके बावजूद पूरा हेल्थ जो सेक्टर है, हम लोग की हेल्थ फैसिलिटी है पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है। वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, एम्बुलेंसेस रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो सारे उपलब्ध रहेंगे। कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए। पूरी तरह से सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी लोग को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा दी जा चुकी है। कोल्ड चेन मेंटेन करना इसमें बहुत मायने रखता है, तो उसको लेके कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ILR पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। और अभी हम लोगों ने 10 सेशन साइट चिन्हित किया है, और जबकि उससे काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास ILR उपलब्ध हैं, तो अभी कोल्ड चेन मैनेजमेंट की कोई समस्या तत्काल नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।